फ्रेजल वर्ब के पार्ट 10 में है। अब से पहले हमने फ्रेजल वर्ब के पार्ट 1 से 9 तक पढ़े। फ्रेजल वर्ब के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया, आज के मैं बता दूं, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, चाहे वो अकेडमिक एग्जामिनेशन हो या कोई भी कॉम्पिटिशन हो, उसमें फ्रेजल वर्ब से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। एग्जामिनेशन के अलावा हम बात करें, पेपर पढ़ना हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन पढ़नी हो, लिटरेचर पढ़ना हो, वहां भी इसका जबरदस्त यूज होता है। हमारे कम्युनिकेशन में और हमारे राइटिंग एबिलिटी में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। यानी फ्रेजल वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हमने अब तक 1 से 9 तक पार्ट पढ़े, आज हम उपस्थित हैं पार्ट 10 को लेकर, फ्रेजल वर्ब पार्ट 10। आज हम बात करेंगे वैसे वर्ब यानी वैसे फ्रेजल वर्ब जो शुरू होते हैं मेक से, यानी मेक में प्रीपोजिशन लगते ही किस तरीके से मेक का मतलब बदल जाता है। मेक आफ्टर, मेक आफ्टर का मतलब होता है जाके पीछे भागना या अनुसरण करना। सिनोनिम इज परस्यू। एग्जाम्पल, ही ऑलवेज मेक्स आफ्टर मनी। वो हमेशा पैसे के पीछे भागता है, यानी पैसे का अनुसरण करता है। तो कोई चीज के पीछे भागना या कोई चीज का अनुकरण करना, दैट इज कॉल्ड मेक आफ्टर। इसका सिनोनिम है परस्यू। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है जो मेक से बनता है, मेक ओवर। मेक ओवर का मतलब होता है सौंपना, यानी कि हैंड ओवर। आई हैव मेड ओवर ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू यू। मैंने अपनी सारी जिम्मेवारियां तुम्हें सौंप दी है। मेक ओवर सौंपना, हैंड ओवर। यानी मेक में आफ्टर लगा तो कुछ और मीनिंग और मेक में ओवर लगा तो कुछ और मीनिंग। अब हम बात करते हैं मेक फॉर। मेक फॉर का मतलब होता है की ओर रवाना होना, की ओर जाना, मूव टूवर्ड्स। एग्जाम्पल, आफ्टर हिज स्टडीज ही मेड फॉर लंदन फॉर मेकिंग हिज करियर। अपनी पढ़ाई के बाद वो लंदन रवाना हुआ अपने करियर को बनाने के लिए। कब? नंबर 4, हमारा चौथा फ्रेजल वर्ब है मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब होता है का बना होना, कंपोज। मेक ऑफ का मतलब होता है का बना होना, कंपोज। एग्जाम्पल, दिस गेट इज मेड ऑफ आयरन। यह जो गेट है ये लोहे का बना हुआ है। मेक ऑफ इज का बना होना, कंपोज, यानी कंपोज बाय। अगला है हमारा मेक अ फॉर। मेक अ फॉर का मतलब होता है भरपाई करना। कोई घाटा हो गया, कोई नुकसान हो गया, उसकी भरपाई करने को हम बोलते हैं मेक अ फॉर। कॉम्पनसेट, ही हैज मेड अप ऑफ हिज लॉस। उसने अपने घाटे की भरपाई कर ली है। मेक आउट, मेक आउट का मतलब होता है अर्थ समझाना या मतलब बतलाना। सिनोनिम इज कन्विंस या एक्सप्लेन। हमने एग्जाम्पल लिया है, प्लीज मेक आउट विद दिस पैराग्राफ। कृपया मुझे इस पैराग्राफ के बारे में बताइए, कृपया मुझे इस पैराग्राफ के बारे में समझाइए, या कृपया आप मुझे इस पैराग्राफ का अर्थ समझाएं। तो मेक आउट का मतलब होता है समझाना। फिर हम बात करते हैं मेक डू विथ। मेक डू विथ का मतलब होता है काम चलाना, मैनेज, किसी न किसी तरीके से व्यवस्था कर लेना कोई चीज का, दैट इज कॉल्ड मेक डू विथ। हमने एग्जाम्पल लिया, आई कैन नॉट मेक डू विथ सच अ लिटिल अमाउंट। मैं इतने कम पैसे से, मैं इतने कम रुपए से या अमाउंट से मेरा व्यवस्था नहीं हो सकता है, मेरा काम नहीं चल सकता। हम हमेशा बोलते हैं कि भाई इतने कम पैसे मेरा काम नहीं चलेगा या चल सकता है। आई कैन नॉट मेक डू विथ सच अ लिटिल अमाउंट। काम चलाना या व्यवस्था करना, मैनेज। तो हमने देखा 7 ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो मेक से बने हुए हैं, यानी कि मेक में अलग अलग प्रीपोजिशन यूज करने पर मेक का मतलब बदला, जो फ्रेजल वर्ब कहलाया। थैंक यू वेरी मच। नाउ मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा असाइनमेंट नंबर 10, इसको आप बना के दे सकते हैं हमारे मैसेज बॉक्स में। थैंक यू।